तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने राशन कार्ड में न्यू मेंबर को कैसे ऐड कर सकते हो, नए सदस्य को कैसे आप घर बैठे ही जोड़ सकते हो। अब आपको इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, घर बैठे ही आप न्यू मेंबर को ऐड कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। कैसे आपको ऐड करना है पूरा प्रोसेस आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से मेरा राशन 2.0 ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। कुछ इस तरीके का आपको लोगो देखने को मिलेगा, मेरा राशन 2.0 को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद अपना आधार नंबर फिल करना है, ओटीपी वेरीफाई कराना है और उसके बाद आपको एक एम पिन सेट करना है। कैसे आप इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप एम पिन बनाएंगे, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो एम पिन सेट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अपना एम पिन डालना है, जो भी आपने एम पिन बनाया हुआ है उसको फिल करना है, वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज फैमिली डिटेल का, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मैनेज फैमिली डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड न्यू मेंबर का, यहाँ से आप नए सदस्य को जोड़ सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अगर किसी सदस्य को आपको हटाना है तो हटा भी सकते हैं। अभी यहाँ पर लिस्ट सदस्यों की खुल करके नहीं आ रही, जैसे ही लिस्ट खुल करके आ जाएगी यहाँ पर आपको डिलीट के बटन मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर पाएंगे। तो मैं यार राशन कार्ड ऐड करने के लिए आपको ऐड न्यू मेंबर इस पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल्स टोटल यहाँ पर 9 स्टेप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको फिल करना है यहाँ पर पर्सनल डिटेल का। तो सबसे पहले नेम इन इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको जिसका भी नाम को जोड़ना है फैमिली मेंबर उसका डिटेल्स आपको फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश में नाम आपको फिल करना है, आधार कार्ड के हिसाब से नाम आपको फिल करना है, आधार कार्ड के हिसाब से आपको सारी डिटेल फिल करना है। इसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है, एज है क्लियर पता तो नहीं छोड़ सकते हैं इसको खाली, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो रेड वाले ऑप्शन बने हुए, स्टार का ऑप्शन बने हुए, ये आपको कंपलसरी फिल करना है। इसके बाद मदर नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप मदर नेम लोकल लैंग्वेज या आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम टाइप करना है। मैरिड स्टेटस आपको यहाँ पर टाइप करना है, मैरिड है अनमैरिड है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको स्पाउस नेम आपको टाइप करना है, यहाँ पर स्पाउस नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद फिर से यहाँ पर स्पाउस नेम टाइप करना है, नेशनलिटी यहाँ पर आपको टाइप करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, ईमेल आईडी है तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। सेकेंड स्टेप खुल करके आ जाएगा। अब आपको जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना है, जनरल डिटेल फिल करना है, एपिक नंबर है तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, जिस भी सदस्य का आपको नाम ऐड करना है उसका आधार नंबर फिल करना है, उस पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल फिल करना है, तो ओपिकेशन यहाँ पर आपको टाइप करना है कि ओपिकेशन क्या है, क्या आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट या फिर यहाँ पर आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इनकम, एनुअल इनकम आपको फिल करनी है और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स आपके सामने खुल करके आ जाएगी। तो कास्ट कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ओबीसी है, एससी है, जनरल है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशन विद हेड ऑफ फैमिली यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि क्या रिलेशन है, जिस भी सदस्य का आप जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर उसका रिलेशन आपको टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर रिलेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। इसके बाद आपको यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। आपको ब्राउज फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको इसको जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। साइज आप देख सकते हैं 500 केवी तक होना चाहिए और जेपीजी या पीडीएफ या पीएनजी में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। साइज को आपको विशेष ध्यान देना है कि 500 केवी से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बैंक डिटेल फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको बैंक डिटेल फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर
अकाउंट नंबर यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर अगर है अकाउंट नंबर तो फिल कर सकते हैं। यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर आप अकाउंट डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर आप इसको खाली छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर अनचेक कर देंगे और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मेंबर फिजिकल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। नीचे आना है, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स को फिल करना है। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो इसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको भी खाली छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेंबर अटैचमेंट यहाँ पर आपको कुछ फिल करने हैं, तो सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ देना है। तो एड्रेस प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपके पास है एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का नंबर फिल करना है, जैसे कि मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आधार नंबर को फिल करेंगे। अगर आप यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको फिल करना है, ठीक है। जिस भी डॉक्यूमेंट्स को आप सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद इशू डॉक्यूमेंट, इशू डेट, यहाँ पर कब इशू हुआ है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करें कैलेंडर पर, के बाद यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप डेट को सिलेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसी को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। साइज़ यहाँ पर 500 केवी से अधिक नहीं होना चाहिए। पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आईडी नंबर फिल करना है। आईडी नंबर आपको देना है, इशू कब हुआ है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तब यहाँ पर थर्ड डॉक्यूमेंट्स को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खोल करके आ जाता है। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड से जो भी लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको ओटीपी डालना है, ओटीपी को वेरीफाई कराना है। ओटीपी वेरीफाई कराने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है और कुछ ही टाइम बाद आपका नया सदस्य न्यू मेंबर आपके राशन कार्ड में ऐड कर दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने राशन कार्ड में नए फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।